हेलो दोस्तों, मैं शुभकर प्रजापति फिर से आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक यानी कि आगे का टॉपिक लेकर के हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक मेरे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, जितने वीडियो पहले आपने देखे आप प्लीज़ उनको लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए आपको बेल आइकन जरूर दबाना है, ठीक है, आप जरूर बेल आइकन दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि हम लोग कर रहे हैं क्या, संख्या श्रेणी यानी कि नंबर सीरीज कर रहे हैं अभी, ठीक है, नंबर सीरीज मतलब सीक्वेंस, ठीक है, और जिसमें हमने अभी जोड़ वाले यानी वर्ग और जोड़ का जो सिस्टम था वो हमने कर लिया है। अभी हम बात कर रहे हैं किसका, गुणा श्रृंखला वाले नंबर्स पे बात करेंगे। दोस्तों गुणा श्रृंखला मतलब मल्टीप्लिकेशन सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने वर्ग वाली बात कर ली है, आपने अभी तक अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप वर्ग की सीरीज को भी देखें, वर्ग श्रृंखला को भी देखें, उसमें सीरीज में कॉन्स्टेंट वाला और इंक्रीजिंग दोनों था। इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हमने जोड़ का यानी कि कॉन्स्टेंट नंबर का जोड़ना और एक इंक्रीज ऑर्डर में जोड़ना इसके बारे में बात की है। आप दोनों वीडियो को आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों, ठीक है, चलिए आइए। तो अभी इसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं, गुणा श्रृंखला यानी मल्टीप्लीकेशन सीरीज। मल्टीप्लीकेशन सीरीज में भी दो टाइप से यानी कि कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई फिर एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई, ठीक है, जिस तरह ऐड में हमने देखा कॉन्स्टेंट नंबर का ऐड होना और एक इंक्रीजिंग नंबर का ऐड होना दोस्तों, ठीक है, चलिए आइए। तो आज हम बात करने वाले क्या, नियत गुना श्रृंखला यानी कि कॉन्स्टेंट मल्टीप्लीकेशन सीरीज, यानी कि जो सीरीज होगा हमारे पास उसमें नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसी एक नंबर से तो मल्टीप्लाई करेंगे वो कैसा, कॉन्स्टेंट नंबर। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूँगा क्या, कि आप कैसे पहचाने कि ये जो सीरीज दी हुई है ना, ये सीरीज दी हुई है कि मल्टीप्लाई के माध्यम से बनेगी या ऐड करके बनेगी या स्क्वायर के माध्यम से बनेगी, हमने हर तरीका से आपको बताया। देखो मल्टीप्लाई वाले में कैसे बनेगा, कैसे पता चलेगा कि सीरीज आपका मल्टीप्लिकेशन में, दोस्तों कैसे पता चलेगा, क्या करना है आपको, पहले दो नंबर का डिफरेंस आपको देखना है कि बहुत ज़्यादा है, डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा हो तब आपको ये तो समझ में आ गया कि जोड़ वाला नहीं है, डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो, ठीक। दूसरा लास्ट वाले टर्म में भी आपको देखना है कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, दो चीज़ें समझ में आएगी, डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा हो तो मल्टीप्लाई। दूसरा क्या देखना है आपको कि इनका रेशियो, रेशियो मतलब चाहे आप इसको इससे भागा दो चाहे इससे भागा दो, अगर आपने इसको इससे भागा दिया तो आप इसको इससे भागा दे करके आप देखें, अगर रेशियो सेम आ रहा है, रेशियो अगर सेम आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो किस कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए तीन से इसको भागा, तीन से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तीन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे पाँच से तो तीन पंजे 15 हो जाएगा, नहीं तो तरीका दूसरा क्या पता करने का, आप तीन से भागा दीजिए 15 को तो पाँच बार में जाएगा, 15 से आप इसको भागा तो 75 को तो पाँच बार में जाएगा, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से इस तो हमको पता चल गया कि हर एक नंबर को कितना से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, पाँच से, ठीक है। तो हमने इसको कितना से मल्टीप्लाई किया गया, पाँच से, ठीक है, इसको भी कितना से मल्टीप्लाई किया, पाँच से, इसको भी अगर हम कितना से मल्टीप्लाई करें, पाँच से, अगर हम इसको इससे पाँच से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आता है, पाँच को मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा, 35 और दो, ठीक है, 37 हो जाएगा, यानी कि 375 होना चाहिए, बट यहाँ पर कितना लिखा हुआ, 365 लिखा हुआ। इस 375 को अगर हम फिर से 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमको 1875 मिलेगा, चलिए आइए देखते हैं मल्टीप्लाई को, 5 से गुना करोगे 25, दो आया 35 और दो क्या होगा 37, तीन बचा 15 और तीन 18, हाँ ठीक है, यानी कि यहाँ पर 375 होना चाहिए, 365 नहीं होना चाहिए था इस कॉन्स्टेंट मल्टीप्लीकेशन के आधार पर दोस्तों, ठीक है। आपने देखा कैसे मेरे दिमाग लगाया, इसी तरह आप लोग को भी सोचना है। देखिए क्वेश्चंस करने से क्या होता है कि आपकी हैबिट बनती है, हैबिट बनने से माइंड में सब सिचुएशंस चलने लगती हैं और माइंड क्लिक करने लगता है कि क्वेश्चंस को कैसे बनाना दोस्तों, ठीक है। तो आप क्या करें, अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे साथ कंडीशंस है कि यार हम आप लोगों को लाइव नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि मेरे यूट्यूब पर उतने सब्सक्राइबर नहीं, मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे हम आप लोगों को ऑनलाइन टीचिंग दे सकें दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि इस आधार पर और बहुत सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। आप क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीन को पॉज करके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं नया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि दी गई संख्या, स्टेटमेंट वही है दोस्तों, खाली आपका क्वेश्चन चेंज, मैं बार बार स्टेटमेंट पढ़ने लगता हूँ, स्टेटमेंट तो वही है दोस्तों, खाली क्वेश्चन का चेंज हुआ है, नंबर चेंज हुए हैं, आपको इस नंबर के आधार पर बताना है, यानी क्वेश्चन के आधार पर बताना है कि इसमें से कौन से नंबर जो है गलत है,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है गलत है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन में आपको करना क्या है, हमने कौन से क्वेश्चंस करने हैं अभी, नियत गुना कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन सीरीज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तरीका हमने आपको बता दिया है कि आप क्या करें, इन दो नंबर का डिफरेंस देखें, इन दो नंबर का डिफरेंस देखें बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करें, रेशियो चेक करें, इसका रेशियो इसके साथ है ना, इसका रेशियो इसके साथ, फिर इसका रेशियो इसके साथ, रेशियो अगर आप सेम आ जाए इसका मतलब क्या, वो मल्टीप्लिकेशन सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए इसको हम लोग सॉल्व करते, देखिए कैसे करेंगे। आप क्या करें, स्क्रीन को पॉज करके एक बार दोस्त ट्राई जरूर करें आप, ठीक है, कि क्वेश्चन बनता है कि नहीं, आप प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिए स्क्रीन को पॉज करके, ठीक। चलिए तब तक मैं लिख लेता हूँ नीचे, 2, 4, 8, 16, 48 है ना, 64 और 128 इस प्रकार से क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैजिक 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 एंड दैट मैजिक, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 से 4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 8 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16 हो जाएगा, 16 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 32 आना चाहिए, यहाँ 48 गलत है, 48 यहाँ गलत है, क्या आना चाहिए 32, क्योंकि 32 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 64 आएगा, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 128 आएगा गाइस। तो सब नंबर्स सही हैं, खाली एक 48 की जगह पे 32 होना चाहिए था, यानी कि इस सीक्वेंस में 48 नहीं होगा, 48 की जगह क्या होना चाहिए, 32 होना चाहिए। तो ऑप्शन में आपका 48 सेक्शन 2 में, यानी ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ, तो दिस इज़ द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है, ये राइट है आपका आंसर आया, ठीक है, ऑब्वियसली आया होगा। आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें दोस्तों, कमेंट और लाइक जरूर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले आप कीजिए इस क्वेश्चन को, स्क्रीन को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेकर के मैं आ गया हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है, स्क्रीन को पॉज कीजिए क्वेश्चन को, सॉरी पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए देन स्क्रीन को पॉज कीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, दी गई संख्या श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है, स्टेटमेंट सेम है, आपको सिर्फ बताना है कि कौन सी संख्या गलत है संख्या श्रेणी में, 6, 9, 13.5 यानी कि 13.5, 20.25, ठीक है, 30.75, 45.5625 ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, मल्टीप्लिकेशन सीरीज का है, हमने आपको बताया है, आप क्या करें, इससे इससे इसको भागा दें, फिर इससे इसको भागा दें, आप भागा दे करके चेक कीजिए, भागा देने के बाद अगर रेशियो सेम आ गया दोस्तों इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में है। और दूसरी तरीका हमने क्या बताया था कि आप हमेशा डिफरेंस भी देखें, इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी ये ना तो आपका प्लस वाला हो सकता है, यानी कि ना तो जोड़ सीरीज का हो सकता है, ना ही आपका ये वर्ग वाला हो सकता है, क्योंकि वर्ग के लिए हमने बताया था कि नंबर्स को आपको देखना है कि नंबर वर्ग के नज़र आ रहे हैं या कि क्यूब्स के नज़र आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए तो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, आप स्क्रीन को पॉज करके आप सॉल्व कीजिए इसको, देन आप डिसाइड कीजिए कि आपका आंसर क्या आया, ठीक है। चलिए तो सीरीज लिख लीजिए 6, 9, ठीक है, 6, 9, 13.5, 20.25, 30.75 और यहाँ पर क्या होना चाहिए 4, 5 है ना, 5, 6, 2, 5 ये। आप ध्यान से देखिए, इसको जब आप भागा देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3/2, देखिए डिवाइड दीजिए 3/2, हाँ 3/2 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 3/2 से, इसको मल्टीप्लाई किया 3/2 से, क्योंकि 2 से काटेंगे तो 3 बार 3, 3 जा 9, तब 9 आया ना, ठीक, इस तरह आप पता कर सकते हो, ठीक। फिर आपने इसको भी किससे मल्टीप्लाई किया, 3/2, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको 2 से भागा देंगे तो कितना जाएगा 4.5, 45, आप मान लो 45 आया, 45 को 3 से गुणा करो 135 आएगा, क्योंकि 4.5 था, एक डिजिट के बाद पॉइंट था, इसलिए 135 यानी कि 13.5 आया दोस्तों, ठीक है। इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 3/2 से, 3/2 से आपको मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, जब 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये 20.25 आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ आपके पास 13.5, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे और 2 से भागा दोगे तो ये चीज़ आपको फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप इसको भी किससे मल्टीप्लाई करो, 3/2 से, आप करके देख ही लो तब समझ में आएगा, 3 × 15 हुआ, 3 × 15 आप इसको मल्टीप्लाई करो कितना आंसर आएगा, 3 × 15, 3 × 3 = 9 और 1 = 0, 3 × 1 = 3 और ये क्या हो जाएगा 4, डिवाइड करो कितना से, 2 से, 2 से जब डिवाइड करो के बाद में जाएगा ये, देखो 2 × 2 = 4 यानी 2 बार में गया, ठीक है, 0 लगा लो, ठीक है, फिर 2 × 2 = 4 जाएगा, बचेगा एक तो 2 × 5 = 10 यानी कि 20.25 आ गया दोस्तों, ठीक है। इसको अगर आप 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 3 को 5 से गुना करोगे तो हो जाएगा 15 × 5, एक कैरी बचा, 3 × 2 = 6,
तीन दो छः और एक कितना हो जाएगा सात, तीन दो छः और एक कितना हो जाएगा सात, आप यहाँ जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तीन दूनी छः हो जाएगा, अब दो से आप भागा दीजिए इसको, दो से भागा दोगे तो आएगा तीन, फिर आएगा ज़ीरो, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास तीन, ठीक है, फिर बचेगा आपके पास वन, तो कितना आ जाएगा सेवन आ जाएगा फाइव, यानी कि आपके पास आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट था, दो डिजिट के बाद पॉइंट था, तो आपको पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा आपका 30.375 आया, 30.375, जबकि यहाँ पर कितना दिया हुआ है 30.75 दिया हुआ, तो ये वाला आंसर तो मेरा गलती हो चुका है, यहाँ पर होना चाहिए था 30.375, तो 30.375 आप देखें, क्योंकि 30.75 गलत है, तो 30.75 कौन सा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फोर, तो दिस इज़ द राइट आंसर। अब आप इसमें ये जो नंबर है इसमें आप 3/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर जो है आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहीं पर मिस्टेक आ गया, तो आगे तो मेरा सही हो गया, हमको एक ही नंबर, दो नंबर तो गलत हो नहीं सकते, इसलिए एक ही नंबर है, तो दिस इज़ द राइट आंसर हमारा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीन को पोज करके आप लिख लीजिए दोस्तों, और मैं दोस्तों आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम ऑनलाइन पढ़ सकें आपके साथ, ठीक है, हम पढ़ सकें आपके साथ, ठीक है, आप भी पढ़ सकें मेरे साथ, यानी कि फेस टू फेस हम लोग स्टडी कर सकें, इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं नया क्वेश्चन, देखिए नया क्वेश्चन क्या है, नया क्वेश्चन है दी गई संख्या श्रेणी, स्टेटमेंट वही है, स्टेटमेंट वही, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हुआ है, खाली हाँ एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने क्या चेंज किया, गुना श्रृंखला यानी कि बढ़ते क्रम में, अभी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ने वाले, इससे पहले कॉन्स्टेंट वाला आपको बता रहे थे, ठीक है, यानी सेकेंड टाइप, गुना श्रृंखला का सेकेंड टाइप यानी कि भाग टू, टाइप टू अभी हम बात करेंगे, इससे पहले कॉन्स्टेंट वाला था यानी जिसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 3/2 एक था पाँच वाला, समझ में आया बात, इसमें क्या है कि आप मल्टीप्लाई करेंगे ज़रूर लेकिन कॉन्स्टेंट नहीं होगा, इसे पहले नंबर को आपने दो से मल्टीप्लाई किया तो अगले को आप दो से नहीं, हो सकता है तीन से या फिर चार से, लाइक दैट इस प्रकार से मल्टीप्लाई का तरीका मिलेगा आपको। देखिए इस क्वेश्चन को मैं बताऊँगा, अगला क्वेश्चन जो है आप ट्राई करके देखें जरूर, ठीक। चलो देखो हमने क्या तरीका बताया आपको कि आप डिवाइड करके देखें, आपको पता चल जाएगा कितना से इसको मल्टीप्लाई किया गया, इसको आप डिवाइड देखें, ऐसा मान के चलो यहाँ पॉइंट नहीं है, इसका मान के चलो पॉइंट नहीं है, पॉइंट देख के बच्चे बहुत सारे घबरा जाते हैं, मान के चलो पॉइंट नहीं, आपने भागा दिया 45 को 15 बार में गया, कितना बार में गया 15 बार में, 15 एक पॉइंट था तो 1.5 कर लो, यानी कि आपने 3 को मल्टीप्लाई किया कितना से, 1.5 से मल्टीप्लाई किया 3 को, तब जा करके 4.5 आया। अब सोचिए 4.5 यानी कि इसको आप 45 है ना, इसको पॉइंट मान चलो ये 4.5 है, तो आप क्या करो इसको 45 मानो तो इसको 90 मानो, क्योंकि पॉइंट जीरो लगा तो कितना से जाएगा दो बार में, 90 हो गया, तो आपने इसको कितना से मल्टीप्लाई किया दो से, यानी 4.5 को आपने दो से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ अंतर देखो दोस्तों, यहाँ कितना का अंतर है तो 0.5 का अंतर है, इसका मतलब क्या होगा कि आगे वाला जो नंबर होगा वो इससे 0.5 ज़्यादा से मल्टीप्लाई होगा, तो आगे वाले नंबर को अगर हम 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ मिल जाएगी हमको। अब 2.5 है, आप पॉइंट को गोली मारो 25 मान के चलो, 25 को 9 से गुना करो 225 आ गया, 225 क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट था इसलिए एक संख्या के बाद पॉइंट आया, ठीक है, यही आंसर हुआ आपका। फिर आप मल्टीप्लाई किए ना, आप देखिए उसके बाद आप क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास 0.5 का अंतर आया तो इसमें भी 0.5 यानी 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, तो देखो क्या हो जाएगा, 3×5=15 का 5 आ गया, ठीक है, फिर आपने 3×2=6 आ गया, ठीक है, फिर 3×6 ये भी ठीक है, ठीक ठीक सब ठीक है। अब आ जाओ आगे, आगे बात करते हैं इस पर कितना से मल्टीप्लाई करना है, 3.5 से, कितना से मल्टीप्लाई करना है, 3.5 से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। तो देखिए मल्टीप्लाई जब आप करोगे, आप सोचिए खुद क्या सोचिए कि 5 को 5 से गुना करोगे तो आंसर क्या आने वाला, लास्ट में 5 आने वाला, क्योंकि 5 का 5 से गुना 25 आता है, क्या आता है 25, तो लास्ट वाला क्या आएगा 5 आएगा, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ 3 लिखा हुआ, तो सॉरी यहाँ क्या लिखा हुआ 0 लिखा हुआ है, तो 0 तो किसी हालत में आ ही नहीं सकता, 0 किसी भी हालत में नहीं आ सकता दोस्तों, क्योंकि 5 को 5 से गुना करोगे तो लास्ट में एक डिजिट क्या आएगा 25 आएगा यानी 5 आएगा, तो 5 जब आएगा तो यहाँ 0 नहीं हो सकता है, इसका मतलब कि ये वाला जो नंबर है ये क्या गलत है, और होना क्या चाहिए इसकी जगह पर, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हमको तो खोजना कि कौन सा गलत है, तो गलत क्या है,
है ना। तो हमारे पास जो आंसर ऑप्शन में ये, तो दिस इज द राइट आंसर, इसी को हम ऑप्शन में लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन में जो होगा इसी को टिक मारेंगे और हमको आंसर करेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप उससे पहले क्या कीजिए, इसको स्क्रीन को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आज दोस्तों बात करते हैं नया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट वही है दोस्तों, खाली चेंज किया हुआ है, क्वेश्चन चेंज हुआ है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वही गुणा श्रृंखला पे है। आपको जोड़ का दिमाग नहीं लगाना, वर्ग का दिमाग नहीं लगाना, क्यूब का दिमाग नहीं लगाना, जोड़ कॉन्स्टेंट का भी दिमाग नहीं लगाना है, आपको गुणा का दिमाग लगाना है। वही कौन सा गुणा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, कौन सा गुना, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर का दिमाग लगाना है कि कैसे कैसे करना है, गुना किस नंबर से गुना किया गया, ये तरीका मैंने आपको बताया कैसे करना है। पीछे वाले नंबर से आगे को भागा दो कितना आ जाएगा, एक, एक से इसको भाग, फिर पाँच से इसको भागा दो कितना आएगा, तीन, इसको इससे भागा दो कितना आएगा, पाँच। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है दोस्तों, क्या है ये लिखते देखिए, पाँच पाँच पंद्रह पचहत्तर, फाइव टू फाइव है ना, फोर सेवन थ्री फाइव, ये क्वेश्चन है। इसको 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 डिसम, इसको ऐसे कीजिए, ठीक है। इसको आप क्या कीजिए, एक से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। पाँच को पाँच, पाँच को ऐसे गुना करो, पाँच आया ना, पाँच को तीन से गुना करोगे तो कितना आएगा, पंद्रह, फिर पंद्रह को पाँच से गुना करो कितना आएगा, पचहत्तर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अंतर दो, यहाँ से यहाँ तक अंतर दो, तो पाँच में दो और जोड़ो तो कितना आ गया, सेवन, सेवन से मल्टीप्लाई करो, सात पंजे पैंतीस, बचा तीन, और सात सत्ते उनचास, और तीन बावन, ठीक है, वेरी गुड, ये भी ठीक है। अब आप क्या करो, इसको ग्यारह से, नौ सॉरी नौ से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे दो और यहाँ भी दो, इसको नौ से मल्टीप्लाई करो, देखो ये आता है कि नहीं, ये वाला आंसर आता है या नहीं आता, आपको मल्टीप्लाई करना है नौ से, नौ पंजे पैंतालीस का पाँच, चार हाथ में बचा, नौ दुनिया अठारह और चार कितना आ गया, बाईस, गड़बड़ हो गया। गड़बड़ कैसे हो गया, कैसे पता चला गड़बड़ हो गया, यहाँ कितना आ गया, दो आ गया, कितना आ गया यहाँ, दो, और यहाँ कितना लिखा हुआ, तीन, यहाँ तीन लिखा हुआ, यहाँ दो आ गया, ऐसे गड़बड़ हो गया। तो ऐसे ही पता चल गया, आगे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो मल्टीप्लाई कर लो, फिर भी इसकी जगह पे क्या आना चाहिए था, तो 22 का दो आया, दो हाथ में बचा, नौ पंजे पैंतालीस और दो कितना आ गया, सैंतालीस, यानी कि सेवन टू टू फाइव से, सॉरी फोर सेवन टू फाइव, यानी 4725 होना चाहिए था, लेकिन 4735 है, तो ये गलत है नंबर, कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये आपका ऑप्शन में कहीं दिख जाए तो इसको आप टिक कर दो, ये ऑप्शन में दिखा तो आपने इसको यहाँ टिक कर दिया, तो ये आपका राइट आंसर होगा, लेकिन इसकी प्लेस पर कौन होना चाहिए था, 4725 होना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को मेरा सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाओ, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों बात करते हैं नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट वही है, सिर्फ नंबर्स चेंज हुए हैं। क्वेश्चंस किस पे कर रहे हैं हम लोग, गुणा श्रृंखला मल्टीप्लिकेशन सीरीज पे कर रहे हैं, गुणा श्रृंखला बढ़ते हुए क्रम के क्वेश्चंस को भी हम लोग डील कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 24 है, 36 है, 81, 180 है, 540, 1890, 700, 7560 है, ठीक है। तो आपको बताना यही है कि इसमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो इस सिक्वेंस को फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए ट्राई कीजिए, आप स्क्रीन को पॉज करके आप क्वेश्चन को ध्यान सुनिए। हमने हमेशा आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो नंबर्स मल्टीप्लाई, हमेशा आप क्या करें, रेशियो निकाल करके देखिए, यानी रेशियो का अंतर अगर सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे आप अभी आप 24 है, ये 36 है, यहाँ लिखिए 24, फिर लिखिए 36, फिर लिखिए 81, फिर 180 है ना, 540, 1890, ये हो गया 7560, ठीक। अगर आप इसको इससे भागा दो तो दोनों देखो 12 का टेबल में आता है, तीन बार में दो बार में, तो ये तो पता चलेगा कि 3/2, इस नंबर को 3/2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 36 आया, ठीक। इधर भी चेक कर लो, इधर भी चेक कर लो तो पता चल जाएगा आपको, इधर जब चेक करोगे तो आपके पास क्या आंसर आने वाला, देखो जीरो से जीरो कटेगा, ठीक है। तो जीरो से जब जीरो कटेगा तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे, ठीक है, 7560 1890, इसको आप सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कटा, ठीक है। अब आप देखिए कितना से कटने वाला, ये हो गया 17 का 18, तीन से कट जाएगा, और ऊपर में कितना हो गया आपके पास, अगर हाँ तीन से कटेगा, तीन से काट दीजिए आप, तीन से कटेगा के बारे में दो बार में, तीन दूनी छः, तीन पंजे पंद्रह, फिर तीन दूनी छः कटेगा, तीन से छः बार में, फिर ये तीन बार में, आप ये पाँच सात और दो नौ, फिर से तीन से कटेगा, तीन से कटेगा दो और एक सात बार में, फिर तीन से काटेंगे तो आप कटेगा कितने बार में, ये आठ बार में, और यहाँ से बचा आपके पास वन, तो ये सिक्स बार में कटा आपके पास, ठीक है।
ठीक है, तीन से नहीं, सॉरी सिक्स नहीं, चार बार में काटा, तीन चौक 12 होता है, चार बार में काटा। अब आप इसको काटिए सात से, सात से काटेंगे तो तीन बार में, इसको सात से काटेंगे कई बार में कटेगा ये, ठीक है। सात का टेबल पढ़िए, ठीक है, ये 12 सत्य 84 होता है, ठीक है, 12 सत्य 84 यानी कि 12 बार में कटने वाला है ये, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करो सात, सॉरी सात से क्यों, तीन से काटे ना इसको, सॉरी इसको सात से काटे, तीन बार में कटा, इसको भी आपको सात से ही काटना है, तो पढ़ो सात का पारा, सात एकम सात और सात दूनी चौदह, 12 बार में कटा, तो आपके पास आंसर क्या आया, 12/3 यानी कि यहाँ पर आंसर क्या आ गया, चार, चार आया है, यानी कि 3/2 रेट से जो है बढ़ते जाएगा, अंतर चार आया। अब आप क्या करो, इसको इसे भी भागा दे के देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कितना का डिफरेंस है। इसको आप पता करोगे तो जीरो ये कटेगा तुम्हारे पास 189 और यहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास 54, ठीक है। इसको आप तीन से काटो तो ये कटेगा कितने बार में, तीन एकम तीन बचा दो तो 18 बार में कटेगा। इसको तीन से काटोगे तो कटेगा 6 और ये कटेगा 3, ठीक है। इसको काटोगे कितना से, तीन से तो कटेगा आपके पास कितने बार में, 6 बार में। इसको तीन से काटोगे तो आपके पास कटेगा 2 और 1 21, फिर तीन से काटो तो ये कटेगा 2 बार में, इसको तीन से काटो तो 7 बार में, यानी आंसर कितना आ गया 3.5। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है, 0.5 का है, 3.5 और 4 0.5 का अंतर है। इसका मतलब क्या हो गया कि 0.5 आगे लेकर के ये चलेगा, तो 0.5 जब आगे लेकर के चलेगा दोस्तों, तो देखिए क्या आंसर आएगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं बहुत सिंपल तरीका से, बहुत सिंपल आसानी से। चलिए देखिए, तो कुल मिलाकर के आप इतना जानिए, मैजिक, ठीक है, मैजिक, फिर यहाँ मैजिक, ठीक। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं कितना से, 1.5 से, क्योंकि 3/2 का मतलब हो गया 1.5, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो 81 आ जाएगा, 81 को यानी कि 36 आ गया ना, तो फिर आप 1.5 में आप बढ़ा दीजिए कितना, 1.5 में आप बढ़ा दीजिए 0.5, तो 0.5 को जब आप इंक्रीज करोगे तो क्या जाएगा 2, तो 2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर 81 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा ना यहाँ पर 3.5 था, यहाँ कितना था 4 था, तो 0.5 इंक्रीज किया था, तो यहाँ पर भी 0.5 क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, तो इसके हिसाब से कितना आ गया 2 आ गया, तो 2 को जब 36 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आना चाहिए, 72 आना चाहिए दोस्तों, 81 नहीं आना चाहिए। तो दिस इज़ द आंसर, 81 आपका क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, तो दिस इज़ द राइट आंसर दोस्तों। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। हेलो दोस्तों, आइए नया क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन है। दी गई संख्या श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है, स्टेटमेंट वही, क्वेश्चन में खाली नंबर्स चेंज हुए हैं, क्या है 3, 1.5, 1.5 दोनों जगह सेम है, 2.5 फिर 4.5, 11.25, ठीक ये क्वेश्चन है। आप ट्राई कीजिए, स्क्रीन को पॉज करके आप ट्राई कीजिए, ठीक है, फिर आप अपने क्वेश्चंस को यानी कि जो आपका आंसर है उसको कमेंट में मेंशन जरूर कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, आप लिख लीजिए 3, 1.5, 1.5, 2.5, 4.5, 11.25, ये क्वेश्चन है दोस्तों। आइए थोड़ा सा मैजिक, यूँ ऐसा कीजिए मैजिक, ये दिस इज़ द मैजिक, क्या हो जाएगा, आप इसको भागा दीजिए, जब आप इससे भागा देंगे तो आंसर आएगा 0.5। हमने आपको बताया था कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, इसको सोचने की आपकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको सॉल्व करना है। तीन से इसको भागा दो कितना आएगा, 0.5 आएगा, इसको इससे भागा दोगे तो 1 आएगा, इसको इससे भागा दोगे तो कितना आएगा 1.5, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, ये 1.5 है, ये 2.5 नहीं, 25 है, भागा दोगे तो पता चल जाएगा आपने क्या आया, ठीक। चलो देखो, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया, यानी कि इसको आपने मल्टीप्लाई किया 0.5 से, तभी ना आपके पास देखिए आंसर आया 1.5, फिर आपने कितना से मल्टीप्लाई किया 1 से, ठीक है। अब आप इसको कितना से मल्टीप्लाई करोगे 1.5 से, यानी कि 0.5 बढ़ रहा है ना, देखिए 0.5 से 1 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.5 ऐड हुआ, तो इसमें भी 0.5 क्या हुआ, ऐड हुआ, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 को 15 से गुना करो क्या आएगा, 15 को 15 से गुना करोगे 225 आता है, 1 और 1 2, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है 225, 15 का स्क्वायर 225 हुआ, तो आप जब एक गुना करोगे तो आपके पास 2.25 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ तो कहानी कुछ अलग ही है, क्या कहानी है, यहाँ पर कहानी है 2.5 की, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला नंबर जो है ये रॉन्ग है। अच्छा आप चेक करते हैं आगे, हमारे पास आया क्या 2.25 आया ना, चलो तो क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो, किसको 2.25 को, तो ये जो है ना ये 2.25, इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर, ये क्या लिखा हुआ है, एक प्रकार से 225 लिखा हुआ है, 225 का डबल कितना हुआ, 225 का डबल हो गया 450, तो आप लिख सकते हो 450,
दो डिजिट के बाद पॉइंट है यानी कि 4.5, तो 4.5 तो राइट लिखा हुआ है, इस नंबर के हिसाब से 4.5 राइट है दोस्तों, ठीक है। तो आप क्या करो, 4.5 को यहाँ पर 2 पॉइंट है तो यहाँ पर 2.5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, यानी कि 45 को 25, तो ये चीज़ आ जाएगा आपके पास। तो कुल मिलाकर के हमको आंसर ये मिल गया, 2.5 नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा हमारा सही, ठीक है। 2.5 नहीं होना चाहिए था दोस्तों, होना क्या चाहिए था, 2.25 होना चाहिए था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। यूट्यूब में आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर क्लिप में होगा, नीचे आप तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं रेड वेल आइकन को दबा करके, ठीक है। हम लोग ऑनलाइन करेंगे स्टडी अगर सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो, ठीक। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप क्या करें, इसको नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीन को। चलिए आइए दोस्तों नया क्वेश्चन देखिए, क्या नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है, मतलब वही मतलब स्टेटमेंट वही है, ठीक है। क्वेश्चन चेंज हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2, 5, 12, 48, 224, 1440 और, ठीक है, कितना लिखा हुआ है, 1080, ठीक है, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार सॉरी 10080 लिखा हुआ है, 1080 बोले। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता करना है कि इसमें से कौन सा नंबर गलत है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन यानी कौन सा इसमें से नंबर है जिसको नहीं होना चाहिए था वहाँ पर, वहाँ उसकी जगह पे कुछ और होना चाहिए था, ठीक है। चलिए आइए इसको देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, 2, 5, 12, 48 है ना, 240, 1440, 10080 यानी कि 10080, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप यहाँ से इसको भागा दीजिए, क्योंकि हमने बताया था भागा देकर के ही आप पता कर सकते हैं कि किससे मल्टीप्लाई किया गया। इसको जब भागा दोगे तो 5/2 यानी कि 2.5 समथिंग कुछ आएगा, इधर से काम नहीं बढ़ रहा मेरा, इधर से आप क्या करो, इसको भागा दो तो 0 से 0 कटेगा और इससे भागा दोगे 7 चौक 28 और 7 चौक 28, ठीक है, 3, तो ये कट जाएगा आपका 7 बार, यानी इसको 7 से मल्टीप्लाई किया गया है। इसको भागा दोगे तो 0 से 0 कटा, 2444 है यानी कि 6 बार में जाएगा, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, तो 14, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई किया गया, 6 से, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आया। अब आप देखिए इससे भागा दो, ठीक है, 48 है ना, तो 48 8 पंजे 40 और 4 पंजे 20 और 4 24, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई किया गया, 5 से, तो 100% इसको कितना से मल्टीप्लाई किया गया होगा, 4 से, क्योंकि 12 चौक 48 होता है, तो और इसको भी कितना से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 3 से, तो यहाँ पर 5 है ना, 5 को 3 से गुना करो तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना आया, 12 आया, कितना आया, 12 आया है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए था, 4 होना चाहिए और यहाँ पर कितना होना चाहिए, 2, तो 2 से 2 को गुना करोगे 4 को 3 से गुना करोगे 12 आएगा, तो दिस इज़ द राइट आंसर। 4 होना चाहिए किसकी जगह पर, 5 की जगह पर, यानी कि 5 की जगह पर 4 होना चाहिए था, लेकिन मेरा ऑप्शन में 5 है तो हम 5 को टिक करेंगे, क्योंकि 5 की जगह पर क्या होना चाहिए ये तो हमको पता करना ही था, लेकिन कौन सा नंबर गलत है उस नंबर को हमको ऑप्शन में टिक करना है, तो 5 गलत था इसलिए हमने 5 को टिक किया गाइस, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चंस का कंसेप्ट समझ में आया होगा, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को हम लोग और करेंगे आगे के वीडियो में, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए चिल करेंगे नेक्स्ट नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय।